धार के जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया गया, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा और क्षेत्रीय विधायक नीना वर्मा की मौजूदगी में संपन्न हुआ। इस दौरान कलेक्टर आलोक कुमार भी मौजूद रहे। जिला चिकित्सालय में विधायक निधि से निर्मित 45,000 की लागत के ऑक्सीजन प्लांट के लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम के अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा ने कहा कि क्षेत्रीय विधायक नीना वर्मा एवं कलेक्टर आलोक कुमार के अथक प्रयासों से ये संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि कोविड की महामारी में लगातार हमें ऑक्सीजन की कमी से जूझना पड़ रहा है। हम प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना महामारी में संसाधनों को जुटाने का काम पूरा कर सके। वही विधायक नीना वर्मा ने कहा कि इस पल का लंबे समय से इंतजार था। किसी भी कार्य को सही नेतृत्व व मार्गदर्शन से ही कामयाबी हासिल होती है। कलेक्टर ने ऑक्सीजन प्लांट के लिए जो भूमिका निभाई वह सराहनीय है। जिले में CSR फंड का उपयोग सही मायने में कलेक्टर के यहां आने के बाद ही हुआ, जिसका इस महामारी में उचित उपयोग हुआ। ये यूनिट मोलेसिस के द्वारा स्थापित किया गया है। कुछी और धार दो यूनिट उन्होंने कंप्लीट कर दी है और तीन यूनिट पे उनका काम चल रहा है। इसी प्रकार बदनावर की भी एक यूनिट कंप्लीट हो चुकी है और सरदारपुर की कंप्लीट हुई है। उनका ट्रायल का फेज चल रहा है। ये अपने आप में एक काफ़ी प्रॉपरली डिजाइंड यूनिट है, जिसमें दो तो इसके सिस्टम हैं। इसमें डबल इंजन सिस्टम जैसी चीज़ है। 5,000 का इसका कैपेसिटी है जो इसमें रिजर्व करता है। 70 सिलेंडर के लिए लगातार इसमें ऑक्सीजन बनती रहती है और 8-8 घंटे पे दोनों कंप्रेसर चलते हैं। इसके लिए हमने अपने इंजीनियर्स को भी ट्रेनिंग करा दी है और हमारा जो एक इसका विंग है पूरा ये इससे कवर हो जाएगा। इसके अलावा दो यूनिट हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और MP से भी सेंक्शन हुई हैं, जो DRDO के माध्यम से और इंडियन ऑयल के माध्यम से एक हॉस्पिटल के अगले हिस्से में और पिछले हिस्से में लगाई जाएगी। जी हाँ, कोरोना जैसी महामारी जिसने दुनिया को हिला रखा था, ऐसी वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए हमारे लगातार प्रयास रहे हैं। हमारे कलेक्टर साहब जब से आए हैं, जब से CSR फंड के द्वारा कई सुविधाएं उन्होंने जिला अस्पताल में दिलवाई है, माननीय वर्मा जी के मार्गदर्शन में हमारा लगातार प्रयास रहता है कि हम कुछ ना कुछ यहाँ पे करते रहें ताकि हम जीवन बचा सकें। विकास को लेकर के हम हमेशा चुनाव लड़ते हैं। हम जनप्रतिनिधि होने के कारण हमारा प्रयास रहता है कि विकास को हम गति दें, लेकिन इस महामारी के अंतर्गत हमने जब देखा है कि जब दुनिया में जान ही नहीं रहेगी तो विकास का क्या करेंगे, क्या करेंगे सड़क पुल पुलियाओं का बना करके, जब लोग बचेंगे ही नहीं तो जान बचाने के प्रयास में हमारी एक पहल थी। और ऑक्सीजन से मरते हुए जब लोगों को लगातार TV पे तो हम लोग ये समझ नहीं पाए कि हमें इन्हें कैसे बचाना चाहिए। पीतमपुर इंडस्ट्री से लगातार हम सप्लाई ले रहे थे। बड़े बड़े शहरों की दुर्दशा देखी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी के लगातार प्रयास थे। सभी तरह से जल थल वायु सभी तरह से प्रयास से हमारी ऑक्सीजन आई जा रही थी, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सोचा कि हम अपनी तरफ से इसमें क्या कुछ कर सकते हैं। अलीराजपुर के जोबट विधानसभा उपचुनाव के लिए अभी तारीख भी घोषित नहीं हुई है। भाजपा उपचुनाव को लेकर अभी से सक्रिय नजर आ रही है। इसी को लेकर प्रदेश भाजपा संगठन महामंत्री सुहास भगत, संभागीय संगठन मंत्री जयपाल सिंह चावड़ा, जिला प्रभारी मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, अलीराजपुर जिले के प्रभारी सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, जोबट उपचुनाव प्रभारी विश्वास सारंग समेत अन्य विधायकों ने मिलकर बैठक आयोजित की। भाजपा नेताओं ने विधानसभा उपचुनाव को मद्देनजर रखते हुए इस प्रकार से सलाह मशवरा कर आगामी उपचुनाव कैसे जीता जाए इस पर मंथन किया गया। हालांकि इसके पूर्व भी प्रशिक्षण बैठक हो चुकी है, उसमें भी उपचुनाव को लेकर कुछ योजना तैयार की गई, उसको भी वर्तमान बैठक में मूर्त रूप देने का काम किया गया। वहीं प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया को लेकर BJP में गहन मंथन जारी है, जिसके परिणाम भी जल्द देखने को मिल सकते हैं। जनता के बीच जाना, जनता की सेवा करना, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का नित्य का काम है। इसमें चुनाव के लिए हमें कुछ नया करना पड़ेगा ऐसा नहीं है। विकास और कल्याण की राजनीति को स्थापित करने वाली सरकारें चला रही है और हमें बहुत प्रसन्नता है कि जिस प्रकार से इस देश में नरेंद्र मोदी जी ने कल्याण और विकास की राजनीति को प्रतिपादित किया है, और मध्य प्रदेश में वो मध्य प्रदेश जो कांग्रेस के समय एक समय आज से 15 साल पहले देश का सबसे पिछड़ा हुआ राज्य था, उसको तेज गति से विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया। और ये बीच के जो 15 महीने थे जब कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश में आई थी और उसके बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जिस प्रकार से विकास किया, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता पूरी तरह भाजपा के साथ है और हम हर चुनाव जीतेंगे। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी।
अच्छी बारिश को लेकर कई इलाकों से टोटकों की खबरें सामने आती है। ऐसे में खरगोन के कचरावत से भी एक अनोखी खबर सामने आई, जिसमें एक महिला ने जीते जी अपने उत्तर कार्य संपन्न कराया। कारण था 12 दिन पहले अच्छी बारिश के लिए उसी महिला की शव यात्रा निकाली गई थी। कचरावत से जुड़े अरिहंत नगर निवासी महिलाओं ने लगभग 12 दिन भगवान इंद्र को मनाने के लिए जीवित महिला की अर्थी निकालकर टोना टोटका किया था, जिसके चलते ही महिला सुमन पाटीदार ने अपने जीते जी ही मरणोपरांत के सभी रीति रिवाज को संपन्न कराया। शुक्रवार को श्री हनुमान मंदिर में मृत्यु भोज सहित अन्य धार्मिक आयोजन कराए गए। इस दौरान वस्त्र सहित घर के उपयोग में आने वाली वस्तु का दान भी किया गया, साथ ही पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। आज बहुत खुशी की बात है कि पुराने लोग जब पानी नहीं जीता था तो अपने आप की आरती बनाते थे और फिर पानी गिरता था 12 दिन के अंदर। तो मैंने भी ऐसा ही किया कि जगत के लोग खुश रहे, किसानों की समस्या दूर हो, इंद्रदेव का बरसे, इसलिए मैंने अपने आप की आरती 13 दिन पहले आरती निकाली। और आज मैंने अपनी तरफ से सारा भोज भी रखा है और पथदान भी किया है, तो पूरा कार्यक्रम किया है। भगवान मुझे हमेशा स्वस्थ और सुखी रखें, ताकि मैं सभी के लिए, जनता के लिए और सभी मेरे भाई बहनों के लिए हमेशा शुभ कार्य में अवसर लेती रहूं और सबका कार्य करती रहूं। बड़वानी जिले के टिकरी में समय समय पर प्राचीन मूर्तियां मिलती रहती है। यह इलाका काफी प्राचीन माना जाता है। इसी का परिणाम है कि थोड़ी सी खुदाई में ही इलाके के इतिहास के अवशेष जमीन से निकलकर बाहर आ जाते हैं। टिकरी तहसील के ग्राम दवाना में प्राचीन शिवालय मंदिर के निकट में महेश चंदेल के मकान के निर्माण के लिए खुदाई का काम चल रहा था। मकान की नींव की 5 फीट गहरी खुदाई में करीब 3 फीट लंबी व 2 फीट चौड़ी भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है। मूर्ति के निकलने के बाद आसपास के ग्रामीण भगवान का पूजन किया, वही मूर्ति के दर्शन के लिए लोग पहुंचने लगे। शिव मंदिर के पुजारियों ने बताया कि मूर्ति लगभग 1000 साल पुरानी हो सकती है, जिसके बारे में प्रशासन को जानकारी दे दी गई है। मैंने खुदाई करवाई मकान की और उसमें मूर्ति निकली गई है 5 फीट गड्ढे में, और वो बहुत पुरानी मूर्ति है और शिव जी का मंदिर पास में है, बहुत पुराना। आज ग्राम गवाना में प्राचीन शिवालय मंदिर के समीप खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की अति प्राचीन करीबन 1000 वर्ष पुरानी प्रतिमा निकली गई। जबलपुर से महज 25 किलोमीटर दूर ग्राम बकराजी से मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई है, जहां एक विक्षिप्त हाथों में हथकड़ी और पैरों में बंधी बेड़िया लिए सड़कों पर घूम रहा है। वहीं आज तक इस विक्षिप्त पर जिम्मेदारों की नजर नहीं पड़ी है, या यूं कह ले कि हाथों में हथकड़ी और पैरों में बंधी बेड़ियों में घूम रहे विक्षिप्त को देखकर भी नजरअंदाज किया जा रहा है। लेकिन जब एशियन भारत की टीम की नजर सड़क पर घूमते हुए इस विक्षिप्त पर पड़ी तो टीम ने इस मार्मिक दृश्य को अपने कैमरे में कैद किया और गांव के जिम्मेदारों से सवाल किए तो उन्होंने अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उन्होंने माफी मांगते हुए इस विक्षिप्त युवक के हालात सुधारने की बात कही। दरअसल बेड़ियों में कैद ये शख्स चक्रवर्ती परिवार का सदस्य है, जिसका परिवार बेहद गरीबी में जीवन गुजार रहा है। वही कुछ महीनों में ही इसके माता पिता भी दुनिया से चल बसे। हालांकि इसके देखभाल छोटा भाई और भाभी करते हैं। वहीं अब इस विक्षिप्त को सरकारी मदद की दरकार है, ताकि सरकारी मदद का सहारा मिले और इसका इलाज हो सके, जिसके बाद ये गुलामी की बेड़ियों से आजादी की आबो हवा में सांस ले सके। ये मेंटली डिस्टर्ब है बचपन से, है ना, बचपन से तो नहीं था, कुछ दिनों बाद हुआ होगा, 2-5 साल की उम्र से, 10 साल की उम्र से माता पिता थे, आज माता पिता इसके ख़त्म चुके, अब इसका कोई नहीं है परवरिश करने वाला, और शासन चाहे तो इनको कहीं से कोई भी सुविधा दे के कहीं शिफ्ट करा सकते हैं, है ना, या कोई भी प्रावधान हो और सरकारी योजना को बहुत सा लाभ हो मिलता है, उसको भी मिलना चाहिए। ये कभी कभी पागलों की स्थिति किसी को मानने लगता है, कोई भी सामान वस्तु फेंकने लगता है या उठा के ले जाता है, इस वजह से इसको बांध के रखा है। इनके पिताजी के द्वारा हथकड़ी पहनाई गई है, इनने काफ़ी प्रयास किया था इनके पिताजी ने कि ये कहीं भर्ती हो जाए, लेकिन उसकी भर्ती की कंडीशन बन नहीं पाई, क्योंकि वो गांव में घूमता है यदि तो गाड़ियों के कांच फोड़ना या और भी दुकानों में पत्थर फेंकना, इस टाइप की उस घटनाओं को अंजाम वो कई बार दे चुका है, इसलिए उसके पिताजी के द्वारा हथकड़ी पहनाई गई थी, वो जंजीर डाली गई थी उनके हाथ पैर में, और शासन से विकलांगों के लिए वो आता है पेंशन की योजना है वो उसको मिल रही है, बाकी उनके तरफ से भी आज तक कोई ऐसी उनके परिवार के तरफ से मांग नहीं की गई। नहीं, उनका व्यक्तिगत मामला था, आज तक वो इस तरह से पंचायत से कभी भी
उसके संबंध में कोई सहायता मांगनी नहीं आई। एक बार मैं जरूर प्रयास करूंगा कि कलेक्टर साहब के सामने इस मामले को लाके रखूं, जिससे उसकी कोई ना कोई आगे व्यवस्था बन सके।